मिशन 2019 में फतेह के लिए सोशल इंजीनियरिंग सहित तमाम फैक्टरों पर काम कर रही भारतीय जनता पार्टी के सोहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जल्द ही तगड़ा झटका दे सकते हैं। सूत्रों की माने तो राजभर सुभाषपा के स्थापना दिवस पर 27 अक्टूबर को राजधानी में होने वाली रैली में योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने व बीजेपी का साथ छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। सुभाषपा के रणनीतिकारों में शामिल एक महत्वपूर्ण सूत्र की माने तो अब समझौते की गुंजाइश नहीं बची है। पिछड़ों व अति पिछड़ों के हितों से जुड़े कई मुद्दों पर बीजेपी का रवैया लगातार अपेक्षापूर्ण है। बीजेपी नेता राजनीतिक व सार्वजनिक मंचों से दो पिछड़ों के हित की बात करते हैं, लेकिन जब फैसले का वक्त आता है तो टाल जाते हैं। ओम प्रकाश राजभर कई बार अति पिछड़ों और गरीबों को आरक्षण का लाभ देने के लिए इसमें बंटवारे का आग्रह बीजेपी के नेतृत्व से कर चुके हैं, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। ऐसे में पिछड़ों के हितों के संघर्ष के बल पर यहां तक पहुंचे ओम प्रकाश राजभर अब और कब तक प्रतीक्षा करें? इसके लिए पिछड़ों का हित और उनकी समस्याओं का समाधान सत्ता से बड़ा है। ओम प्रकाश अब तक सिर्फ बीजेपी और सरकार का नाम लेकर ही हमले बोलते आ रहे हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस बार उनके निशाने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे। SPN न्यूज रूम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।